सामईन हजरात, ये रूह परवर वाकया चार रोटी और चार बेटे जो सोनिक एंटरप्राइजेस की जानिब से पेश किया जा रहा है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की एक बांज औरत की दास्तान है जिसे नज्म किया है नैरंग संभली ने, मौसीकी से संवारा है मोहम्मद ताहिर ने, फनकार हैं अनवर साबरी कव्वाल फिरोज आबादी और उनके हमनवा। लीजिए समाअत फरमाइए चार रोटी और चार बेटे। सुनिए नारंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए नारंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए नारंग है मूसा की फजीलत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत का बयान, यानी हजरात, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहितूर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी गोद एक मुद्दत से खाली है, मेरे कोई औलाद अब तक नहीं हुई, आगे क्या होता है समाअत फरमाए। मूसा अल्लाह के एक लाडले पैगंबर थे, उसके महबूब वो प्यारे थे, बड़े दिलबर थे, जलवाए हक से दिला पाई थी उनके दिल ने, दूर पर रोज वो जाते थे खुदा से मिलने, जिक्र एक रोज का है ये बड़ा हैरत अफजा, दर्स इबरत है इसे से, अपने जो चले मिलने खुदा से मूसा, एक औरत ने उन्हें रोका और इस तरह कहा, ऐ नबी मूसा मेरे दिल की ये सुन लो फरियाद, बदनसीबी ने मेरे साथ में की है बेदार, एक अब तक सूरत मैंने देखी नहीं औलाद की, अब तक सूरत मैंने देखी नहीं औलाद की, अब तक सूरत मैंने देखी नहीं औलाद की, अब तक सूरत मैंने देखी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से उस औरत ने कहा, मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कहती हैं, मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ, आप अल्लाह से पूछकर बताइए कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वादा कर लिया कि मैं अल्लाह से पूछकर बताऊंगा।
मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए तो अल्लाह से उस औरत का हाल बयान किया। अब आगे क्या होता है समाध फरमाइए। बाज कहने लगे मुझको ये मोहल्ले वाले, शर्म से पड़ गए अब तो मेरी जाके लाले, रास्ता कोई नहीं मुझको सुकून पाने का, आ गया वक्त मेरे डूब के मर जाने का, पूछ कर हक से बता दो अल्लाह के औरत का सवाल सामने रख दिया, अल्लाह के औरत का सवाल सामने रख दिया, अल्लाह के औरत का सवाल सामने रख दिया, अल्लाह के औरत का सवाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से वापस आए तो उस औरत को बताया कि अल्लाह ने फरमाया है कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ये बात सुनकर वो औरत बहुत रंजीदा हो गई। एक दिन एक फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और कहा, तू खुशी से जितनी भी रोटियां मुझे देगी अल्लाह पाक तुझे उतने ही बेचे देगा। उस औरत ने फकीर को चार रोटियां दी। आगे क्या होता है लीजिए समाप्त फरमाइए। हक ने फरमाया के होगी वो कभी शाद नहीं, उसकी तकदीर में लिखी कोई औलाद नहीं, जाके औरत से कहा मूसा ने कर ले तू यकीन, तेरी तकदीर में तो कोई भी औलाद नहीं। बात सुनकर हुई मूसा की वो औरत गमगीन, बांझपन का हुआ गम उसके कलेजे में नशीं, जिक्र एक रोज का है आया फकीर उसके घर, और खुश रोटियां अब जितनी भी तू देगी मुझे बेटे अल्लाह अता कर देगा उतने ही तुझे। लाके औरत ने उसे रोटियां दी फौरन चार, लाके औरत ने उसे रोटियां दी फौरन चार, लाके औरत ने उसे रोटियां दी फौरन चार, आ गई के गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार। इत्तेफाक से उस औरत के घर की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम का फिर गुजर होता है। वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाती है
और कहती है, आपने तो कहा था अल्लाह ने कहा है कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये देखिए मेरे चार बेटे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ, वो फौरन तूर पर पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला से क्या पूछा। सामईन हजरात, दीजिए आगे समाज फरमाइए। चार बेटे हुए जब चार बरस में पैदा, हो गई उस पे खुदावंद की रहमत शैदा। इत्तफाकन हुआ उस सिमत से मूसा का गुजर, देखा औरत ने उन्हें लाई बुला कर अंदर, और फिर कहने लगी उनसे ये वो खुश होकर, देख लो चार ये बेटी हैं मेरे लख्त जिगर। तुम तो कहते थे कि औलाद ना होगी कोई, कोख यूं ही सदा वीरान रहेगी तेरी। मुझ पे तो हो गई अल्लाह की रहमत नाजिल, खुश नसीबी से मुझे मिल गई मेरी मंजिल। बात है क्या और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या, और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या, और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे बताया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, उसको चार बेटे कैसे आता हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले मेरा ये काम करो, ये छुरी और थाली लो और बस्ती में जाओ, मुझे थाली भर इंसान का गोश्त लाकर दो। मूसा अलैहिस्सलाम छुरी और थाली लेकर बस्ती में आए, लोगों से अल्लाह के नाम पर गोश्त मांगा, लेकिन किसी इंसान ने अपना गोश्त नहीं दिया, सबने इनकार कर दिया। आगे क्या होता है समाज फरमाइए। बांझ औरत की सुनाई थी जो मैंने फरियाद, तूने फरमाया था होगी नहीं औलाद। चार बेटों की वो मां बन गई कैसे या रब, इस उलट फेर का बतला दे मुझे क्या है सबब। बात सुन के ये खुदा ने कहा मूसा से शताब, इसका तो बाद में मूसा तुम्हें हम देंगे जवाब। ये छुरी हाथ में लो, पहले मेरा काम करो, गोश्त इंसान का थाली में मुझे ला कर दो। हुक्मे अल्लाह पे लेकर वो छुरी और थाली, दूर से नीचे उतर आए सरे आबादी। किसी में भी मजाल, लेकिन इस काम की पाई ना किसी में भी मजाल, लेकिन इस काम की पाई ना किसी में भी मजाल, लेकिन इस काम की पाई ना किसी में भी मजाल।
मूसा अलैह सलाम पूरी बस्ती में घूमे लेकिन किसी ने गोश्त नहीं दिया। इत्तेफाक से उन्हें रास्ते में एक शख्स मिला और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बताओ ये हाथ में छुरी और थाली कैसी है। मूसा अलैह सलाम ने सारी बात बता दी। उस शख्स ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर थाली भर दी और कहा, ले जाओ। मूसा अलैह सलाम गोश्त लेकर आए और अल्लाह तबारक व ताला को पेश किया और उस बंदे मुखलिस का सारा हाल बयान किया। अल्लाह ने कहा, तुम्हें दूसरों के पास जाने की हाजत क्यों हुई, तुम खुद इंसान थे, अपना गोश्त दे सकते थे। मैंने उसी नेक बंदे की दुआ से उस औरत को 4 बेटे अदा किए हैं। ये तुम्हारे सवाल का जवाब था। आगे क्या होता है सामईन, समाप्त फरमाइए। कर दिया मूसा से इस बात पे सबने इनकार, गोश्त देने को न था कोई भी अपना तैयार, काट कर गोश्त किसी ने भी नहीं उनको दिया, उनको हर शख्स ने इस बात से मायूस किया। सब जगह घूम के मूसा की हुई बदहाली, लेके मायूसी से वापस हुए खाली थाली। इत्तफाकन उन्हें एक आदमी रास्ते में मिला और बेसाख्ता मूसा से वो ये कहने लगा, मुझको बतलाओ ये अल्लाह के मरबूब नबी, हाथ में कैसी ये थाली है, ये कैसी है छुरी। अल्लाह का मूसा ने सुनाया उसको और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको। आगे क्या होता है समाज फरमाइएगा। अपनी खुशबख्ती का मूसा से वो करके इजहार, गोश्त देने को वो अपना हुआ फौरन तैयार, बोला मूसा से वो खुश हो खातिर, जब भी हाजिर है मेरी उसकी रजा की खातिर, काट कर जिस्म के हर हिस्से से बोटी बोटी, अपने मौला के लिए गोश्त से थाली भर दी। मूसा खुश हो के गए तूर पे अल्लाह के पास, मजबूती से सब दूर किया खौफ हिरास, सामने पेश वो अल्लाह के नजराना किया। कैसा उस बंदे मुखलिस का दिया सब ही सुना, सुन के सब हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या।
सुन के सब हाल, ये अल्लाह ने मूसा से कहा, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या? आगे क्या होता है सवाल सुनाइएगा। तुम भी इंसान थे, इस काम को कर सकते थे, अपने ही गोश्त से इस थाली को भर सकते थे। जिसने ये गोश्त दिया है वही सच्चा इंसान। मैंने इस बंदे पे कुल रहमत कर दी कुर्बा। देखो उस बांज को औलाद की दी जिसने दुआ, वो यही मुखलिस मखसूस है बंदा मेरा। रास्ते में जो मेरे जान बकफू आता है, फैसला उसके लिए मेरा बदल जाता है। ऐसे बंदों ही की खातिर तो बनी है जन्नत, जिसमें मौजूद मेरे फजल से है हर नेमत। तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, सच तरीके से जवाब उसका दिया हमने निकाल। तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, सच तरीके से जवाब उसका दिया हमने निकाल। दुश्मन अक्ल को क्या आए नजर क्या देखे, चश्मे बिना मेरी हुकूमत का तमाशा देखे। बदला नेकी का तो नेकी के सिवा कुछ भी नहीं, नेक जो बंदे हैं होंगे वही जन्नत के मकीन। जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा। होगा बदकार जो दो मैं सदा रोएगा, होगा बदकार जो दो जख्म में सदा रोएगा, होगा बदकार जो दो जख्म में सदा रोएगा, होगा बदकार जो दो जख्म में सदा रोएगा। जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा सदा रोएगा।